नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी नागरिकता बिल संशोधन के विरोध प्रदर्शन में मारे गए व घायल हुए लोगों से मिलने मुजफ्फरनगर पहुंची। हालांकि इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं थी। प्रशासन को जैसे ही प्रियंका गांधी के आने का पता चला तो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि जिले में धारा 144 लागू है। बावजूद इसके प्रियंका गांधी का बड़ा काफिला मुजफ्फरनगर पहुंचा। इससे पहले भी प्रियंका गांधी ने मुजफ्फरनगर पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देते हुए प्रियंका को मुजफ्फरनगर से जाने से ही रोक दिया था। इसी के चलते प्रियंका गांधी एक बार फिर से रिटर्न हुई और नागरिक बिल संशोधन के विरोध प्रदर्शन में मारे गए नूरा के परिजनों से मिली और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। तो मौलाना साहब, उन्होंने मुझे बताया कि मदरसे के अंदर ही थे बच्चों के साथ, अचानक पुलिस अंदर आई, बेरहमी से मारा पीटा है, हाथ टूटा हुआ है, टांगों में पत्थर हो रहा है, तमाम मतलब चोटें हैं पूरे शरीर पे, चल रहा है मेरे काफी बच्चों को लेके जेल में डाल दिया है। इसमें से कुछ बच्चे रिहा हुए हैं, कुछ बच्चे थोड़े माइनर्स भी थे वो भी जेल में, और दूसरी जगह जहाँ मैं गई नूर मोहम्मद की, बहुत ही दर्दनाक। वो बेचारी 22 साल की लड़की है, 7 महीने प्रेग्नेंट है, उसका एक छोटा सा 1.5 साल की उसकी एक बच्ची है, एकदम अकेली। कुछ हेल्प कांग्रेस की तरफ से भी हो? हम कोशिश तो पूरी तरह से करेंगे, जहाँ जहाँ न्याय हुआ है कुछ कई जगह गए, जहाँ जहाँ न्याय हुआ है वहाँ हम जरूर खड़े रहेंगे और हम जरूर। सरकार को क्या कोई किसकी कमी रहेगी? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, आपने देखा होगा कि मैंने राज्यपाल महोदय को बहुत लंबी चिट्ठी भेजी है, उस चिट्ठी में सारी डिटेल है, इन केसों के भी डिटेल है, उसमें सारी डिटेल है कि पुलिस ने किस तरह से मारा है, पीटा है, बेवजह। देखिए, वजह होती है किसी ने कुछ किया है तो पुलिस कार्रवाई ले, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जहां पुलिस खुद घुसकर मारपीट कर रही है, वो जो लड़की जिसकी शादी होने वाली है, वो बेचारी उसकी शादी होने वाली थी, शादी का जो भी सामान था वो भी तोड़फोड़ कर दिया, उसके यहाँ 16 स्टिचेस हैं उसके माथे पे, उसकी 2 दिनों में शादी होने वाली थी, तो इस तरह की चीज़ पुलिस घर के अंदर घुसी है, इस तरह की चीज़ तो मतलब काम क्या है? जनता की सुरक्षा और न्याय दिलाना, यहाँ तो उल्टा हुआ है, तो जहाँ जहाँ उल्टा हुआ चल रही है गांधी की गलत काम किसी को नहीं करना चाहिए।